नवरात्रि को लेकर लोगों ने शनिवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया। पितृ विसर्जन के बाद घरों की साफ सफाई के साथ ही पूजा स्थल की साफ सफाई कर पूजा स्थल को सजाया गया। बाजार में लोगों ने पूजन सामग्री व फलों की खूब खरीदारी की। शाहजहांपुर के देवी मंदिरों की सफाई के साथ ही उनको बेहतर ढंग से सजाया भी गया। परिसर में नारियल छुटरी समेत पूजन सामग्री की दुकानें सज गई। शहर के देवी मंदिरों में नवरात्र में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान पूजन अर्चन व अनुष्ठान का दौर चलता रहता है। दो दिनों से हो रही बारिश के बावजूद भी बाजार में खूब चहल पहल है। शारदीय नवरात्र आज को प्रारंभ हो गया, लिहाजा देवी मंदिरों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है। शनिवार को एक दिन पहले मंदिर की कमेटी के लोगों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया, जहां एक ओर माँ के दरबार को भव्यता के साथ सजाया गया तो वही दूसरी ओर मंदिर के मुख्य गेट को भी रंग बिरंगी झालरें डालकर मंदिर की खूबसूरती बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस तरह से देर शाम तक कमेटी के लोगों ने तैयारियों को पूरा करने में जुट गए। नवरात्र के चलते शनिवार को देवी मंदिरों में तैयारियों का सिलसिला जारी रहा। पुजारियों के सहयोग से जहां एक ओर माता रानी के दरबार को भव्यता के साथ सजाया गया तो वहीं फूल मालाओं से मंदिर का आकर्षण बढ़ाया गया। देवी मंदिरों के आसपास पूजन सामग्री की दुकानें भी लगी दिखाई। किसी ने माता रानी की चुनरी श्रृंगार की दुकान लगाने में व्यस्त दिखाई दिया तो कई पूजन सामग्री की दुकान सजाता नजर आया। पहला दिन है, आप यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या श्रद्धा है, किस तरीके से आप इस त्योहार को मना रहे हैं? ये नवरात्रि पर्व जो है ये एक हमारे हिंदू समाज का एक अभिन्न मतलब पर्व है, जिसको हम बुजुर्ग बच्चे बूढ़े सभी लोग, ये एक आस्था का ऐसा बिंदु है, ये अद्भुत ऐसा चमत्कार है। ये एक अद्भुत चमत्कार शंकर जी का, इधर माँ दुर्गे का, और तीसरी अद्भुत चमत्कार हमारे राधा कृष्ण मंदिर का। ऐसा अद्भुत समाज मतलब चमत्कार, ऐसा अद्भुत दृश्य जो हमारे जनपद में कहीं भी आपको देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम आप कहीं भी आप मतलब यूपी के अन्य कहीं जनपदों में जाएँ और कहीं भी मंदिर में जाएँ, लेकिन किस तरीके की मतलब ये अद्भुत दृश्य जहाँ पे दुर्गा माता जी मौजूद हों, शंकर जी भी मौजूद हों और हमारे राधा कृष्ण का मंदिर है। बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं दूर तक जाना पड़ता है, एक मंदिर कहीं होता है, एक मंदिर कहीं होता है, आपको जाकर पैदल दर्शन करना पड़ता है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे सहजानपुर वालों का नगर सौभाग्य है जिसके हम जनपद में हमने जन्म लिया है, और हमें ये अद्भुत चमत्कार अपने भोले बाबा के दर्शन हमें मिलते हैं। और हमारा नित्य प्रत्यय कर्म है कि चाहे भी हम कहीं भी जाएँ, शहर से बाहर जाएं या कहीं शहर में रहें, जब तक हम भोले बाबा के दर्शन नहीं आते हैं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और जब हम इनका दर्शन कर लेते हैं, इनका हम चरणों में अपनी वंदना कर लेते हैं, तो मेरा दिन ऐसा करता है जैसे मालूम हुआ कि पूरा दिन मैंने हमें बहुत बड़ा एक अभी ऐसा एक हमें मुझे शक्ति मिल गई है। क्या नाम है आपका? और इस शक्ति के साथ साथ मेरा परिवार और मेरे परिवार के सभी बच्चे और इन्हीं की देन है, इन्हीं के साथ हमारा सुख इनका उनको नमन है और इन्हीं के आज चरणों की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। उनकी क्या नाम है? मेरा नाम और यहीं पड़ोस में हम रहते हैं। यहाँ आप आई हैं तो आपके मन में क्या श्रद्धा है, किस वजह से आप यहाँ आई हैं? श्रीमती मैया है, ये साचा दरबार है भक्तों का, हमारी श्रद्धा है मैया जी से। मैया जी सबकी जो है कष्टों को हटती हैं, यहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा से आते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको बनवाने से फल देते हैं, और हम लोगों का जो है हम लोगों के लिए यहाँ स्वर्ग के समान है, और हमारी बहुत बहुत श्रद्धा है। जय जयकारा माता रानी। शारदीय नवरात्रि का पर्व जो है आज शक्ति भवानी जगदम्बा का शुभ रूप में और किस तरह मनाया जाता है। पहले जो है ये प्रथम द्वितीय ब्रह्मचारी चंद्र घंटा कुछ मानना कन्न माता वैष्णव का दैनी माता काला समाज महा और नवम नवनाथ नवदुर्गा रूप में नौ दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। कोई भी व्रत नवरात्रि दुर्गा जी का उपवास करना है तो इसी शारदीय नवरात्रि से शुरू किया जाता है। पहले के बाद जो है आज चतुर्थ भवानी का, इसमें जो है दशहरा भी मनाया जाता है, इसी में जो है रावण का भी जो है उपहार होता है। नवरात्रि देवी आज शक्ति भवानी की वो भी जो है असीम कृपा होती है, और ये दुर्गा मंदिर में जो है सच्चा दरबार है, यहाँ पर जो भी कोई भक्त आता है उसकी श्रद्धा और मनोकामना से जो है होती है। यही शारदीय नवरात्रि का जो है पर्व इसी तरह जो है मनाया जाता है। किस तरह